हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा चौधरी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और आज हम बना रहे हैं पनीर गुलाब। उसके लिए हम पहले इसमें डाल देंगे घी। घी डालने में कंजूसाई ना करें, क्योंकि पुलाव में जितना अच्छे से घी डालोगे उतने अच्छे आपके खिले खिले चावल और अच्छे भी बनेंगे। तो यहाँ पे हमने घी डाल दिया है खूब सारा, आप देख लीजिए। इसके बाद इसको हम गर्म होने देते हैं। इसमें हम डाल रहे हैं सरसों। सरसों हमारी चट चुकी है, इसमें डाल रहे हैं हम दो प्याज। हमें बहुत ज़्यादा ब्राउनी करनी है, बस इसका कच्चापन निकालने तक इसको फ्राई करना है बस। और इसी के साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कुछ किशमिश। आज मेरे पास काजू नहीं है, बादाम तो रखे हुए हैं, वो बादाम मुझे डालने नहीं है। तो आप यहाँ पे पहले काजू बादाम को थोड़ा सा फ्राई कर सकते हैं। तो मैं किशमिश डाल रही हूँ इसी में, ताकि ये अच्छे से फूल जाए और इसका टेस्ट दो गुना आए बाहर निकल के। तो प्याज हमारी हो चुकी है, तो हम इसमें डालेंगे गाजर, बीन्स और मटर। तीनों चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। हम यहाँ पे बीन्स डाल रहे हैं और इसी के साथ हम यहाँ पे मटर डाल रहे हैं। इसको मिक्स कर देंगे हम, और इसमें हल्का सा नमक डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। नमक हमने चावल में भी डाला हुआ है, तो इसीलिए हम नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे, उसको थोड़ा सा डालेंगे। नमक से क्या सब्ज़ी भी जल्दी पक जाएंगी। एक बार और हम इसे मिक्स कर देते हैं। तो इसको करीबन हम गाजर है ना थोड़ी सी ये देर में पकेगी, और मटर भी, तो 10 मिनट के लिए हम इसे बंद करके रख देंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। अब इसमें हम पनीर डाल देते हैं। थोड़ा सा पनीर भी सॉफ्ट हो जाएगा, तो 4 मिनट के लिए हम इसे पनीर को भी सॉफ्ट होने देंगे। अब हमारी सब्जियां हो चुकी हैं, तो हम क्या करेंगे, एक बार सब्जी चला लेते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे, ये हमने ब्राउन कलर के चावल लिए हैं और नमक और घी डाल के हमने इन्हें उबाला है। तो इन्हें हम मिक्स कर देंगे। तो देखिए, हमारे चावल जब हम घी डाल के उबालते हैं ना, खिले खिले बनते हैं एकदम। ये देखिए क्या कलर आ रहा है निकल के, ओहो बिल्कुल लग रहा है ना होटल जैसे चावल, एकदम बढ़िया। ये देखिए एकदम बढ़िया बढ़िया क्या दिख रहे हैं चावल, और खाने में तो इनका स्वाद ही इतना अच्छा था है ना, बहुत। बस घी डालने में कंजूसाई ना करें बिल्कुल भी, और सब्ज़ी आप अपने मनपसंद डालें जो भी आपको पसंद है। हम 2 मिनट इन्हें ढक देते हैं और गैस को ऑन ही रखेंगे, ताकि ये सब चीज़ मिक्स हो जाए आपस में। 2 मिनट के लिए सिर्फ ढक देते हैं। सो हमारा पुलाव बन के तैयार है, एकदम अच्छे से बना है और साथ में खीरा है। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक और कमेंट भी करते रहना, और बाय बाय।